पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गमन के आरोपों में घिरी अभिनेत्री अमीषा पटेल की ओर से बुधवार को जनपद न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। अमीषा पटेल एक दिन पहले ही मंगलवार को कचहरी पहुंचकर अपनी जमानत के कागजात तैयार करके लौट गई थी। अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 2 फरवरी को जनपद न्यायालय में की जाएगी। कटघर के डबल फाटक निवासी और ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने अदालत में अभिनेत्री अमीषा पटेल और अन्य के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री अमीषा पटेल, अहमद शरीफ, सुरेश परमार, राजकुमार गोस्वामी पर 11 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया था, जिसमें कहा है कि 16 नवंबर 2017 को एक शादी समारोह में डांस के लिए अमीषा पटेल को बुलाया गया था। दिल्ली रोड स्थित हॉलीडे रिजेंसी होटल में आयुष अग्रवाल की शादी समारोह में अमीषा पटेल को 4 गानों पर डांस करना था, जिसके लिए अमीषा पटेल को तय हुए 11 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे, लेकिन रकम मिलने के बाद भी अमीषा पटेल शादी समारोह में नहीं आई। उन्हें मुंबई से दिल्ली फ्लाइट से आना था और दिल्ली के होटल में ठहराने, नाश्ता और दोपहर के खाने की व्यवस्था की गई थी। ये रकम पीआर कंपनी के मालिक राजकुमार गोस्वामी के माध्यम से अमीषा पटेल के पर्सनल असिस्टेंट सुरेश परमार और अहमद शरीफ को दी गई थी, जिसके बाद अमीषा पटेल द्वारा 2 लाख रुपए की मांग और की गई। इस मामले की सुनवाई अदालत में की जा रही है। इसमें अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। अमीषा पटेल कचहरी मुरादाबाद में अपने वकील अभिषेक शर्मा के चैम्बर में आई थी और अपने जमानत के कागजात तैयार कराए थे। अमीषा पटेल के खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्हें 17 नवंबर 2017 को एक फंक्शन में आना था, जिसके लिए हमने उन्हें 11 लाख रुपए दिए थे। उसके बावजूद वो उस फंक्शन में नहीं आई। उनका सारा खर्चा हमारे द्वारा किया गया था। कल वो चुपचाप अपने अधिवक्ता के पास आईं और अपनी अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका दायर करी, जिस पर उन्होंने साइन करके वो चली गई। आज जो थी, जो उनकी याचिका थी, वो कोर्ट में पेश की गई, जिसको माननीय न्यायाधीश ने देखा। उसके बाद जो है उसकी सुनवाई के लिए 4 फरवरी की डेट उन्होंने आगे डाल दी है। अब 4 फरवरी को कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनको अग्रिम जमानत दी जाए या उनकी जमानत खारिज की जाए। क्या लगता है, क्या क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि न्याय हमारे साथ न्याय होगा। न्यायपालिका ने अभी तक हमारे साथ पूरा न्याय किया है, आगे भी हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, हर तरीके के हमारे पास सबूत हैं कि हमने किस तरीके से उनको पैसा दिया और किस तरीके से हमने क्या क्या उनके लिए सुविधाएँ की, किस तरीके से उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया और किस तरीके से जो उन्होंने अपनी बातें उसमें अपने एफिडेविट में दी हैं वो गलत हैं, उसको हम गलत प्रूव करेंगे। हमारे जो वकील हैं उनका भी कहना है, हम अपने सारे साक्ष्य रखेंगे, बाकी न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसके ऊपर क्या एक्शन लें। अच्छा, कितने साल बाद ये मुरादाबाद पहुंची, कब से ये केस चल रहा है? देखिए, 7 साल बाद ये मुरादाबाद पहुंची है, जबकि इनके 3-4 बार बेलीवल वारंट हो चुके हैं। 20,000 रुपये के जमानती इनके वारंट हैं, चूँकि कल 23 तारीख को उस केस में पड़ी भी थी, लेकिन किसी कारणों से वो जो है उसमें कोर्ट की हड़ताल हो गई, वो नहीं आई, क्योंकि उस दिन हमने जो है उनके नॉन बेलीवल वारंट कराने थे। उनको कहीं से पता चल गई, उन्होंने अपने अधिवक्ता के द्वारा जो है उसकी अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।